बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव देने के लिए गरीब माँ बाप से 50,000 रुपये मांगे गए। परिवार के पास इतनी राशि नहीं थी कि वह पैसे दे सके। पैसों के जुगाड़ के लिए वे अपने गाँव लौट आए। इसके बाद वे गाँव में आंचल फैलाकर भीख मांगते देखे गए। यहाँ लोगों के घर जाते और अपनी मजबूरी बताकर अपील करते। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया जो कि वायरल हो गया। दरअसल यह रकम अस्पताल के कर्मचारी ने मांगी थी। मामला अस्पताल प्रबंधक के पास पहुंचा तो आनन-फानन में सब पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बुधवार को अंतिम संस्कार हुआ। उधर गांव वालों का कहना था कि परिवार इतना गरीब था कि बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकता था। ताजपुर थाना क्षेत्र के आहार गाँव के महेश ठाकुर का 25 साल का बेटा संजीव ठाकुर 25 मई से लापता था। 7 जून को उन्हें जानकारी मिली कि मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। इसके बाद वे वहां के थाने पहुंचे। थाने से जानकारी दी गई कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। माँ बाप दौड़े दौड़े सदर बाजार पहुंचे। पहले तो पोस्टमार्टम करने वाले ने शव दिखाने में आनाकानी की, बाद में गुहार लगाने के बाद उसने शव को दिखाया, जिसकी पहचान माँ बाप ने अपने बेटे संजीव ठाकुर के रूप में की। जब पिता ने शव मांगा तो तब कर्मचारी ने 50,000 रुपये की मांग की। पैसे नहीं देने पर शव देने से इनकार कर दिया। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी का कहना है कि मीडिया के माध्यम उन्हें यह जानकारी मिली है, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस पर जाँच के बाद सख्त कार्यवाही की जाएगी। जब वीडियो सामने आया तो अस्पताल प्रशासन ने आनन-फानन में शव पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN.